मुझे खुशी है कि कोरोना वैश्विक महामारी की इन परिस्थितियों में आपका हौसला डगमगाया नहीं डिगा नहीं बल्कि आपने परिस्थिति के मुताबिक इस कार्यक्रम को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है पूरी दुनिया में इस बीमारी के कारण जो तनाव है लोगों में जो डर और दुविधा है उसे संगीत और कला के माध्यम से मरहम लगाया जा सके इस दिशा में आपने इस साल के कार्यक्रम की थीम भी रखी है साथियों हम इतिहास में सुनते आए हैं किस्से कहानियां में भी सुनते आए हैं कि पुराने समय में जब कोई युद्ध छिड़ जाता था तो राज्य के कवि गायक कलाकार वीर रस के गीत लिखते थे संगीत को प्रेरणा का माध्यम बनाते थे आज कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ युद्ध में हमारे कलाकार वैसे ही भूमिका निभा रहे हैं हमारे गायकों गीतकारों कलाकारों ने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए देश को जागरूक करने के लिए इस लड़ाई में जोश फूंकने के लिए एक रचनात्मक अभियान खड़ा कर दिया है बीते दिनों ऐसे ही कितने ही संगीतमय प्रयोग हमने देखे और सुने हैं वैसे आपको याद होगा इस अभियान की शुरुआत 130 करोड़ भारतवासियों ने ताली थाली बजाई शंख बजाया घंटी बजाई और इस नाथ के द्वारा पूरे देश को एक ऊर्जा से भर दिया था ऐसे में जब 130 करोड़ लोग एक भावना से साथ आते हैं एक संग जुड़ते हैं तो यह संग ही संगीत बन जाता है जिस तरह संगीत में एक सामंजस्य की जरूरत होती है एक अनुशासन की जरूरत होती है उसी तरह के सामंजस्य संयम और अनुशासन से ही देश का प्रत्येक नागरिक आज इस महामारी से लड़ रहा है साथियों अगर हम मानव जाति के इतिहास को भी सरसरी नजर से देखें तो एक बात कॉमन नजर आती है एक बात उभर कर के आती है हमारी जीवन यात्रा और विकास यात्रा को जोड़ने में संगीत और उत्सवों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उत्सवों के रूप रंग अलग रहे हैं और स्वाभाविक भी हैं इनमें समय के साथ परिवर्तन भी आए हैं लेकिन हर कालखंड में उत्सव उमंग का जन्मदाता रहा है हमें उमंग से भर देने वाला रहा है कोई भी आपदा पड़ी हो विपदा विपत्ति रही हो हर स्थिति में उत्सवों ने मानव सभ्यता को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद की है और हमारे देश में तो हर मौसम के लिए हर ऋतु के लिए अलग अलग उत्सव अलग अलग, अलग, अलग अलग गीत विविधता से भरा संगीत और लोकगीत रहे हैं किसान जब खेत में बुआई करता है तो अलग गीत गाता है फसल पकने पर अलग गीत होते हैं फिर फसल काटने पर अलग गीत गाए जाते हैं इसलिए अगर हम कहें कि उत्सवों के बिना हमारा जीवन अधूरा है तो हमें ये भी कहना पड़ता है कि कला संगीत के बिना उत्सव ही नहीं है साथियों मुझे बताया गया है कि आपने इस बार इस कार्यक्रम में नेचर वॉक हेरिटेज वॉक लिटरेचर और होलिस्टिक फूड जैसे अनेक विषयों को भी जोड़ा है साथ ही योग और विशेषकर नाद योग को भी इसमें रखा गया है हमारे यहां तो नाद को संगीत का आधार माना गया है और नाद का आधार आत्मशक्ति को माना गया है आत्मबल को माना गया है संगीत या योग इसके माध्यम से जब हम अपनी आत्मशक्ति तक पहुंचते हैं तो ये नाद ब्रह्मनाद हो जाता है यही कारण है कि संगीत और योग दोनों में ही मेडिटेशन और मोटिवेशन दोनों की शक्ति समाहित होती है दोनों ही ऊर्जा के अपार स्रोत होते हैं हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है न नादेन बिना गीतम न नादेन बिना स्वर न नादेन बिना ज्ञानम न नादेन बिना शिव अर्थात नाद के बिना गीत संगीत और स्वर सिद्ध नहीं होते और नाद योग के बिना ज्ञान और शिवत्व की प्राप्ति नहीं होती और शिवत्व का मतलब है आत्मकल्याण शिवत्व का मतलब है मानवता का कल्याण शिवत्व का मतलब है मानवता की सेवा इसलिए हमारे यहां संगीत केवल अपने सुख का ही नहीं बल्कि साधना और सेवा का भी माध्यम रहा है संगीत की साधना तपस्या का रूप रही है इसी परंपरा पर चलते हुए हमारे देश में ऐसे कई महान संगीतज्ञ हुए हैं जो उच्च कोटि के साधक भी थे तपस्वी भी थे उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए ही जिया मुझे खुशी है कि संगीत की ये भावना आज भी देश में सुरक्षित है और ऐसे कई साधक तपस्वी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है साथियों आज हमारा हर एक देशवासी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक सेवा के अभियान में लगा है जिससे जो बन पड़ रहा है वो गरीबों की मदद के लिए देश के लिए कर रहा है संगीत और कला के माध्यम से आप भी सेवा की इस भावना को ही आगे बढ़ा रहे हैं मुझे विश्वास है कि स्पीक मैके का ये डिजिटल कार्यक्रम भी देश के इस अभियान को एक नई दिशा देने का काम करेगा ये डिजिटल कन्वेंशन प्राचीन कला संगीत का टेक्नोलॉजी के साथ ये तालमेल ये फ्यूजन आज समय की मांग भी है राज्यों और भाषाओं की सीमाओं के ऊपर उठकर आज संगीत एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श को भी पहले से ज्यादा सशक्त कर रहा है आप देखिए आज बंगाल में बैठा व्यक्ति इंटरनेट पर पंजाबी गाने सीख रहा है पंजाब का युवा दक्षिण भारत के संगीत को सीख रहा है लोग जो सीख रहे हैं उससे 130 करोड़ देशवासियों को जोड़ भी रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से नए नए संदेश भी पहुंचा रहे हैं कोरोना के खिलाफ देश के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं संकट के समय में संगीत देश की सामूहिक शक्ति का एक नया स्रोत बन गया है मुझे पूरा विश्वास है हमारे देशवासियों की ये ऊर्जा आपका ये प्रयास कोरोना से मुकाबला कर रहे लोगों का मनोबल बढ़ाएगा लोगों को एक नई आशा एक नया आत्मविश्वास देगा आप सभी स्वस्थ रहें दो गज दूरी का पालन करते रहें लोगों को जागरूक करते रहें इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं स्पीक मैके और उनकी टीम को भी आप सभी महानुभावों को सभी कलाकारों को आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद नमस्कार